नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं स्पिन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत राजा भैया से। जी हां, राजा भैया जो बीजेपी के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में जल्द ही राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि राजा भैया की जो पार्टी है उनके कैंडिडेट की संख्या ज्यादा। हालांकि बसपा की हालत उतनी ठीक नहीं है, सपा की हालत उतनी ठीक नहीं है, कांग्रेस पार्टी की हालत उतनी ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदा समय के अंदर जिस तरह की स्थिति देखी जा रही है वो सीधे तौर पर बता रहा है या तो राजा भैया बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे, नहीं तो वो योगी आदित्यनाथ के लिए परेशानी का सबक बनते नजर आएंगे। दरअसल देखने को मिला भी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए उसमें राजा भैया ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। राजा भैया ने कुंडा से निर्दलीय चुनाव जीता, तो ये देखा जा रहा है कि राजा भैया का दबदबा कुंडा में अभी भी बरकरार है और राजा भैया ने जिस तरह कुंडा की जनता के लिए काम किया उसी तरह जनता खुलकर राजा भैया को खुलकर सपोर्ट करती है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर या तो राजा भैया बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं या तो राजा भैया बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हालांकि इन सबके बीच अगर राज्यसभा चुनावों को लेकर बात करें तो समाजवादी पार्टी का रोल बहुत बड़े हद तक खत्म हो चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह देखने को मिला उत्तर प्रदेश में कई जो चुनाव हुए उसमें लगातार बीजेपी उसमें लगातार समाजवादी पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि यही वजह है कि इस बार जो है बसपा पूरी कोशिश कर रही है कि मुस्लिमों के नेता आजम खान को अपने साथ मिला लिया जाए, यानी कि आजम खान को अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश इस वक्त की जा रही है बसपा की तरफ से। और देखना होगा कि क्या मायावती का ये प्लान कामयाब हो पाएगा और कामयाब होगा तो इसका कितना बड़ा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।